ये दूसरा दिन है, सुबह हो गई है, लगभग 8:30 बजे का टाइम है। हम नहा धो के एकदम तैयार हो गए, रूम एकदम कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से मच्छर वगैरह थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। रात में ट्रेन भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए आवाज़ वगैरह भी नहीं हुई। सुबह ट्रेन आ रही है कालका से, इसलिए थोड़ी आवाज़ वगैरह हो रही है, जा भी रही है। तो अभी हम नाश्ता वास्ता करेंगे इधर, और नाश्ता करने के बाद रूम दूसरे दिन के लिए भी हमने यही बुक रहने दिया है, ये ठीक ठाक है। दूसरे अभी नाश्ता करने के बाद अब हम जो है शहर में जो है घूमेंगे, क्योंकि सिटी में हमने अभी गए नहीं है, कल आए थे और यहीं पे आके लेट गए थे। कल तो आपको पता है सब क्या हुआ था, इसलिए कहीं गए नहीं, थक गए थे, यहीं पे लेट गए थे। सारे ना वहाँ से घूमी है आज तक, काफ़ी रूम इन्होंने बना रखे हैं इधर। तो अगर आज मैं बात करूँ मौसम की, तो बाहर निकल के मैं देख रहा हूँ मौसम कुछ इस तरह का, पूरी तरह से बादल हो रहे हैं और बारिश जो है किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये है बिल्कुल स्टेशन जो हम रुके हुए वहाँ के बाहर का व्यू है ये। तो अभी लोग हम स्टेशन पर हैं, उसके बाद जो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आज तो जो लोकल मनाली है वो शिमला है उसको घूमेंगे, मनाली कह रहा हूँ। स्टेशन से रूम में हमने लॉग वॉक करके अपना सामान वहीं पर रख दिया स्टेशन पर ही। अब जहाँ हमें जाना है वहाँ कौन सी गाड़ी जाएगी पता नहीं, क्योंकि टैक्सी तो यहाँ पे बहुत महंगी है और इस टाइम पूरा माहौल जो है टूरिस्ट वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ नॉर्मली जो बसें होती हैं ये जो शहर में चलती हैं सिटी में, उनको मैं पूछूँ कि यहाँ जाना है मुझे, यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनसे पूछ के मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वो सही पड़ते हैं, 10 रुपये में 15 रुपये मिल जाती है पर सवारी, टैक्सी वाले तो बहुत पैसा मांगते हैं। कुछ इस तरह की शहर से बाहर तो हम जा नहीं पाए, क्योंकि स्कूटी लेने में थोड़ी दिक्कत होगी हमें। तो लोकल जो शिमला मॉल रोड है, दूसरी जगह है, उसी का हम टहल टहल के पूरा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बरसात हो गई तो मौसम और भी सुहाना हो गया, ठंडक थोड़ी सी बढ़ गई है, 19 का टेम्परेचर है। और बंदरों की थोड़ी दिक्कत है इधर, पूरे शिमला में दिक्कत है, ना खा सकते हैं ना कोई पी सकते। ये मॉल रोड है जो शिमला जो शहर है उसका पूरा सिटी सेंटर, यहाँ पर शॉपिंग वगैरह सब है। और ये चर्च है सामने, ये यहाँ का बाग काफ़ी पॉपुलर चर्च है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, क्योंकि शहर ही अंग्रेज़ों ने बनाया था ये, ठंडा होने की वजह से शिमला, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी और ये गर्मियों के दिनों में दिल्ली ज़्यादा गर्म होने की वजह से राजधानी शिमला बनाए देते थे। इसलिए जो यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह हैं इनका अगर तरीका देखो बनाने का, वो भी वही है, इंग्लैंड का तरीका है। इस तरह से पूरा ये मॉल रोड भीड़ तो फुल है, यहाँ पर लग रहा पूरे शिमला के जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे हैं, क्योंकि मेन जगह ये है तो भीड़ भी ज़्यादा ही है। यहाँ घोड़े वगैरह हैं, पता नहीं कितने का ही ले रहे हैं, थोड़ी सी राइड करवाते हैं और बस। यहाँ पूरा ये मॉल रोड है, काफ़ी दुकान वगैरह हैं यहाँ पर, ये गिफ्ट वगैरह की दुकान है ना, लकड़ी के हैं पूरे। We'll be right back.
खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद झाकू जाएंगे। झाकू जो है वो भी एक हिल स्टेशन है, अच्छा व्यू देता है, मंदिर वगैरह वहाँ पे बना हुआ। 1.5 किलोमीटर है लेकिन रास्ता चढ़ाऊदार है तो थोड़ा सी दिक्कत होती है चढ़ने में। देखता हूँ अगर मिल जाएगा ऐसा कुछ। हमें थोड़ी लोकल मार्केट भी देखनी थी तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे उतर गए जो मेन रोड था मॉल रोड, क्योंकि वो टूरिस्ट इलाका है और टूरिस्ट इलाके में पता है रेट बहुत हाई होते हैं, कुछ भी चीज़ तुम खरीद नहीं सकते। तो मैं थोड़ा सा हमेशा पहले इसी में ऐसा करता हूँ कि टूरिस्ट इलाका हो, उसके थोड़ी सी बच के मैं नीचे वो देखता हूँ। तो ये वो मार्केट है जो शिमला के लोग लोकली ख़रीदारी करते हैं, टूरिस्ट वाला इलाका नहीं है, टूरिस्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठंड लग गई क्या पब्लिक को? ठंड लग गई क्या पब्लिक? जड़ से खरीद रही है पब्लिक, 100 रुपये में दो, 50 के मतलब एक। ये सैमसंग का सर्विस सेंटर है। तो कंडीशन ये है, पूरा दिन सुबह से निकले थे हम और पूरे शिमला की गली गली में, बाज़ार हो चाहे गलियाँ हो दूसरी चीज़ें हो, फोटोग्राफ वीडियो जितने भी अच्छे अच्छे, और बारिश हुई बीच में बहुत अच्छे जो व्यू मिले हमें वीडियो बनाने के लिए फ़ोटो बनाने के लिए, वो ही मैंने निकाले हैं। अभी शाम हो गए, 7 बज गए और जो ठंडक है 15 डिग्री पा चुकी है, क्योंकि मैं एक टी शर्ट पहन रहा हूँ तो ठंड लग रही है मुझे। और जो व्यू है शाम का मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शाम शिमला की जो गलियाँ एकदम मुकम्मल जो बोलते हैं ना परफेक्ट, वो इस तरह का व्यू हमें इस टाइम मिल रहा है, मुकम्मल जिसको बोलते हैं परफेक्ट। इधर से एक व्यू दे देता हूँ मैं, पूरा जो शिमला का व्यू है, सब लोग इधर फोटोग्राफ लेने के लिए खड़े हुए हैं। शाम का टाइम है तो आसमान हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और जो व्यू है शिमला का नीचे से मुकम्मल एक परफेक्ट। और जो मेरी आवाज़ की कप कप ये समझ में आ रही होगी, आई ठंड के एहसास इससे ही हो रहा है क्योंकि मैं तो टी शर्ट सब लेकर आया था, मुझे नहीं मालूम था इतनी ठंड हो रही होगी यहाँ पे। तो जो मेरे हाथ है ना इस टाइम पूरी तरह से कांप रहे हैं ठंड से, तो हवा पूरी तरीके से हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जैसे कि मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कब कभी चल रही है मेरे को ये पूरा मॉल रोड है जहाँ पे दोपहर भी हम घूम रहे थे, फिर दोबारा इधर उधर घुमा के इधर ही आ गए, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर ही है, यहाँ से पूरे शिमला का व्यू भी मिल रहा है, घूमने की जगह भी जो शहर के अंदर है सिटी के अंदर यही है। ये फोटो की नहीं देखो, ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर माहौल रंगीन है, रात में भी अंधेरा हो गया, चेहरा नजर नहीं आ रहा मेरा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन स्ट्रीट है साफ़ सुथरी स्ट्रीट है, बहुत ज़्यादा गली है, बहुत अच्छी है। लग रहा है जैसे पीछे मैंने बैकग्राउंड लगा दिया हो, लेकिन ये ओरिजिनल है, तो बैकग्राउंड नहीं है। एम्बुलेंस आ रही है, खैर होगा भाई। ये दिन तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया शिमला के अंदर सिटी के अंदर ही, अभी शाम के 8 बजे हैं, खाना वाना खाने के बाद स्टेशन पर जाएंगे, उधर अपना रूम है ही, कल कुफरी वगैरह देखते हैं थोड़ा शहर से बाहर, कुछ मिल जाएगा हमें स्कूटी या जो दूसरी चीज़ें मिल जाएँ अगर इस। ये दिन तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया देखने देखने में, तो रास्ते कुछ इस तरह के हैं भाई, बहुत नीचे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम में वो दोपहर में हम यहाँ चढ़ के आए थे, उस टाइम ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, नीचे आए थे क्योंकि माल रोड पर थोड़ी महंगी है, मैंने सोचा नीचे जो बाज़ार है उसमें देखते हैं, लेकिन ये बाज़ार भी पूरी तरह से बंद हो गया 8:30 बजे ही, ऐसा लग रहा कोई बंदा है ही नहीं, इसलिए ऊपर जो माल रोड है
मेन रोड है उसी पे खाना पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा खाना पड़ेगा, लेकिन खाना पड़ेगा उधर ही। अगर दुकान बंद होने की वजह से कोई रास्ता नहीं हमारे पास, एक रेस्टोरेंट हमें मिला है थोड़ा सा महंगा, 265 की एक थाली है वो हमने लिए, क्योंकि आप वॉक हैं तो मिल नहीं रहा, हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, बंद हो गई मार्केट, थोड़ा उसका पता होता जल्दी बंद हो जाती तो थोड़ा सा देख लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर खा लेंगे, रात की बात है, अब वॉक नहीं जा नहीं सकते। थोड़ा सा महंगा है, महंगा पड़ा है थोड़ा सा हमें, लेकिन ठीक लग रहा है इस तरह का खाना, एक थाली 265 रुपये में महंगी है, 265 के हिसाब से स्टेशन पर हमें 80 रुपये की मिलती थी, लेकिन कोई दिक्कत। कंडीशन कुछ इस तरह की थी, ये जो खाना था शाम का कुछ महंगा पड़ गया हमें, लगभग 300 रुपये बिल बैठ गया, जब से हम आए दूसरे दिन है 300 रुपये का लगभग हमने खाया नहीं था, पूरा दिन खाते थे जब जाके 300 रुपये जाता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी बाहर घूमने में, बहुत सारी कंडीशन आती हैं उनको फेस करना होता है रात का टाइम में, और ये हमें एक सीख मिल गई कि हमें जल्दी खाना चाहिए, इतनी लेट नहीं करना चाहिए, दिल्ली नोएडा की जैसे नहीं है इधर जब 11-12 बजे तक खाना मिल जाएगा, सब कुछ बंद हो गया, मार्केट तो पूरी तरह से बंद हो गई है अभी, तो हम लोग फिर सीधे जा रहे हैं स्टेशन, उसके बाद सो जाएंगे, फिर कल का हम अपना अलग प्रोग्राम बनाए। यहाँ पर लोकेशन तो बढ़िया आ रही है, शहर का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस रास्ते में हम चल रहे एकदम अंधेरा हुआ हुआ है, बस जो गाड़ी आ रही है उन्हीं को हम देख पा रहे हैं, या उन्हीं की वजह से देख पा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा है स्टेशन तक मुझे ऐसा लग रहा है, एंड जो मेन रोड है ये गाड़ी जा रही है सब मेन रोड पर भी मतलब लाइट वाइट नहीं है, पता नहीं लाइट की बचत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हम स्टेशन पर आ गए हैं, अपने रूम में लेटेंगे, लेकिन जैसे और जगह शिमला की ऐसे ये भी है स्टेशन बिल्कुल शांत है, कोई बंदा दूर दूर तक देखने नहीं मिलेगा, एक दो बंदा जो जिनके रूम यहाँ बुक हैं वही भी दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रेन नहीं है कुछ भी नहीं है, तो शांति है। और स्टेशन कुछ इस तरह का है अभी कंडीशन ही चल रही है स्टेशन की, पहला स्टेशन इंडिया का जिसको मैं इस तरह के देख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर टिकट बुक ना करो तो यहाँ पर बेंच वगैरह हैं, यहाँ पर सो सकते हो, बंदा सो रहा है, ये भी होता है।